हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, मैंने क्वेश्चन पूछने बोला था आप लोगों को क्यू एन ए वीडियो के लिए, एंड आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछे हुए बहुत सारे। सो इस वीडियो में आपको आंसर दूंगा ऑल द क्वेश्चंस का जो भी आप लोग आपने पूछा है। एंड बिफोर गाइस ये वीडियो स्टार्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड तक जरूर देखना गाइस। और गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं भी यूट्यूब से ले रहा हूँ, यूट्यूब कमेंट बॉक्स से। सो यहाँ पर देखो गाइस, पहला क्वेश्चन है प्रिया मौर्यानी के द्वारा, एंड इन्होंने पूछा है डू यू व्लॉग। तो आई थिंक इन्होंने पूछा कि मैं व्लॉग बनाता हूँ या नहीं है। तो मैं अभी व्लॉग नहीं बनाता हूँ, और मैं तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे 1000 व्यूज अप्रॉक्स एवरेज व्यूज नहीं आएंगे मेरे वीडियोज पे, आर्ट वाला वीडियोज पे। तब तक मैं व्लॉग्स या फिर डांस वीडियो नहीं बनाऊंगा फिलहाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस VSAV चैनल, सो इन्होंने पूछा इज इट इम्पॉर्टेंट टू यूज नीडेबल इरेजर एंड फिक्सेटिव स्प्रे, एंड विच पेंसिल आर गुड फॉर बिगिनर्स। सो गाइस यहाँ पर यह है कि नीडेबल इरेजर यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपको क्लीन वर्क करना है या फिर आपके आर्टवर्क्स में या फिर रिफरेंस पिक में बहुत सारे हाईलाइट्स है, तो आई थिंक आपको नीडेबल इरेजर यूज करना चाहिए। एंड अगर आप ऐसे नॉर्मल बना रहे हो और ऐसा रिफरेंस पिक है जिसपे हाईलाइटिंग्स बहुत कम है, तो वहाँ पर उतना जरूरी नहीं हो जाता नीडेबल इरेजर, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड फिक्सेटिव स्प्रे, अगर आपको पेंसिल स्केच करते हो एंड आपको सेफ रखना है आर्टवर्क को लंबे समय तक, तो आई थिंक आपको यूज करनी चाहिए फिक्सेटिव स्प्रे से, जो ऊपर लेयर वाला जो है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। और बिगनर्स की पेंसिल बात करो कि बेस्ट पेंसिल फॉर बिगनर्स, तो मुझे लगता है आर्टलाइन इज द बेस्ट पेंसिल फॉर बिगनर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अभिषेक अग्रवाल, इन्होंने पूछा है कि आप कहाँ रहते हो। तो मैं डिस्ट्रिक्ट देवघर और स्टेट मेरा झारखंड है, मैं वहीं रहता हूँ। अगर और भी बात करें तो मेरे ब्लॉक मधुपुर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज व्हाट इज दिस हर्षराज चौहान आर्ट्स, एंड उन्होंने पूछा है आप ड्राइंग कहाँ से सीखा। तो मैं ड्राइंग जो सीखा हूँ वो अपने स्कूल से सीखा हूँ, अपने वहाँ के टीचर्स भी थे तो वहाँ से सीखा, एंड खुद से भी प्रैक्टिस किया बहुत सारे तब जाके सीखा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हर्ष आर्ट के द्वारा, एंड उन्होंने पूछा है भैया हाउ टू ग्रो योर आर्ट चैनल ऑन यूट्यूब एंड नाउ हाउ टू मेक ऑडियंस। सो ये मुझे भी उतनी अच्छी से पता नहीं है, एंड जब मेरा ग्रो हो जाएगा तो आई थिंक मुझे बहुत सारा ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तब जाके मैं बता पाऊंगा इसका आंसर। अभी मेरे पास इस चीज़ का आंसर फिलहाल नहीं है, होता तो मैं खुद ही ग्रो कर लेता। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष नागपुरे, और इन्होंने पूछा कि तुम कौन से मटेरियल यूज करते हो। तो गाइस इसके लिए मैंने बहुत सा एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि मैं कौन से मटेरियल यूज करता हूँ, पर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हो, नहीं तो मैं आर्टिस्ट वाटर कलर यूज़ करता हूँ कैमलिन ब्रांड का, और कार्टिस पेपर 140 जेएसएम का यूज़ करता हूँ, एंड यही दो चीज़ यूज़ करता हूँ मैं बेसिकली हर वीडियो में। और रिसेंटली मैंने ये ब्रश खरीदा है जो कि फेवर कैस्टल का है, सो यही यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ब्रो मैं आपसे ही सिखाऊँ वाटर ड्राइंग, यू आर लेजेंड ब्रो, थैंक यू भाई आर्ट बाय धमनेस। क्या हमें पोर्ट्रेट में ध्यान देना चाहिए या लैंडस्केप में। सो आई थिंक आज के डेट में अगर आपको कमर्शियली भी थोड़ा कुछ कमाना है ताकि आप अपने ड्राइंग मटेरियल को खुद ही अफोर्ड कर सको, तो आपको पोर्ट्रेट आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि लैंडस्केप का जो पेंटिंग है उसका डिमांड अभी उतना नहीं होता है जितना कि पोर्ट्रेट का है। पोर्ट्रेट का बहुत ज़्यादा डिमांड है इन कंपेरिजन टू लैंडस्केप। सो आई थिंक दोनों ही करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्रिस आर्टिस्ट के द्वारा, इन्होंने पूछा आप 12th के बाद क्या करोगे। तो मैं 12th के बाद BFA करने का सोच रहा हूँ, एंड ये मैं शांति निकेतन से करने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हाउ टू यूज ब्लेंडिंग स्टंप। मैंने आज तक कभी भी ब्लेंडिंग स्टंप यूज नहीं किया अपने ड्रॉइंग में ब्लेंड करने के लिए, सो मुझे अभी तक पता नहीं कि कैसे यूज करना चाहिए। एंड इन फ्यूचर अगर मैं कभी यूज़ करूँगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा कि कैसे यूज़ करना चाहिए।
जब तक तो मेरे पास खुद एक्सपीरियंस ना आ जाए, मुझे नहीं पता चला, तो मैं बता नहीं सकता ना आपको ऐसे। विच कलर पेंसिल डी यू यूज? कोई भी पेंसिल मैं यूज, कलर पेंसिल यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कलर पेंसिल से एक भी ड्राइंग बनाया ही नहीं है, और इसलिए मैं कोई पेंसिल यूज नहीं करता हूँ, कलर पेंसिल। और मैं सोच रहा हूँ अगर मैं यूज करूँ डाइट, तो बहुत सॉफ्ट हो ऐसा पेंसिल अगर मुझे मिलेगा तो मैं यूज करूंगा, उससे ड्राइंग बनाऊंगा एंड आपको भी बताऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मीन ये है, प्लीज अपलोड फ्री हैंड ड्राइंग ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब। सो यस, मैंने आउटलाइन फ्री हैंड अपलोड किया है एंड इन फ्यूचर भी करूंगा, ठीक है। सो मेरे चैनल पे बस कनेक्टेड रहो, जरूर मिलेगा आपको। हाउ टू गेन इंस्टाग्राम फॉलोअर, ये मुझे भी नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट एनी क्वेश्चन बट ए रिक्वेस्ट, प्लीज मेक ड्राॅइंग विथ अदर कलर्स ऑल्सो लाइक पेंसिल कलर, ऑयल पेस्टल एटीसी। सो इन फ्यूचर देखा जाएगा, मेरे पास और भी कलर होगा, अगर होता तो ऑयल पेस्टल ये सब होता तो शायद मैं करता भी अलग कलर से ड्राॅइंग, बट नहीं है। एंड मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता है ना वो सब करना, क्योंकि कभी किया नहीं है, तो इसलिए बाय भी नहीं किया अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाउ आर यू स्टार्ट योर ड्राइंग? सो ऐसे हम स्कूल जब गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन होता था ना, मतलब ड्राइंग कंपटीशन होता था, तो बहुत सारे भैया लोग हैं, सर लोग का वहाँ पेंटिंग्स देखते थे, पता नहीं क्यों और धीरे धीरे खुद में इंटरेस्ट आने लग गया, एंड मैं अपना वर्क करते गया तो मेरा वर्क बहुत अच्छा होने लग गया। एंड यू नो, जब कोई तारीफ कर देता है आपके वर्क का तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाई मैं बहुत सारे वर्क करने लग गया। इस तरह से धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, और इस तरह से शायद मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया आर्ट में। व्हाट इज योर नेक्स्ट वीडियो आफ्टर एग्जाम? सो आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट एनिमी एंड आर्ट वर्क्स आर ऑसम। पहले तो थैंक यू, बट मेरे एनिमी कोई भी एनिमी ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं एनिमी देखता ही नहीं हूँ, तो मुझे क्या पसंद होगा। विच यू यूज फॉर पेंटिंग? आई थिंक ये मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं, कौन से मटेरियल यूज करता हूँ। उसके मैंने वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाओ मिल जाएंगे, बहुत रिसेंटली ही बनाया, ज़्यादा आपको नीचे नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और इस वीडियो में बता चुका हूँ दो बहुत सारे क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आर्ट बाय अंकित से, एंड उन्हें बहुत सारे रिक्वेस्ट किए हैं आपने, मतलब होम टूर के लिए। सो गाइस, होम टूर बहुत अगर मैं बनाने जाऊँ वीडियो तो लंबा हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इंटरेस्ट आएगा उतना देखना। और अगर आप होम टूर चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा तो उस समय मैं बताऊंगा, दिखा दूंगा अपने होम का टूर, एंड इतना अच्छा नहीं है कि आपको दिखाऊं अपने होम टूर होम को। व्लॉग जब मैं बनाऊंगा कभी तब मैं दिखा दूंगा, ठीक है। दिस इज इट। सो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट हरिटोन का, इन्होंने पूछा कि ब्रो हाउ टू पुट बैकग्राउंड म्यूजिक इन यूट्यूब वीडियो। सो इसके लिए मुझे लगता है कि टेक्निकल चैनल देखना चाहिए, एंड मैं इनको पर्सनली बता चुका हूँ कैसे डालना, बट अगर आपका भी ये क्वेश्चन होना हो तो आप टेक्निकल चैनल देख सकते हो, बहुत आसान से आराम से मिल जाएगा आपको पूरे कंप्लीट डिटेल में। आपके हिसाब से सबसे अच्छा आर्टिस्ट कौन है? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आर्टिस्ट तो भगवान है, अगर रियल में ऐसे बात करें तो मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ कि कौन है, क्योंकि सबका अलग अलग ये है। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे किसके किसके आर्टवर्क पसंद है, और मैं देखता हूँ तो शायद मुझे अच्छा लगता है। और मैं आर्ट वाटर कलर ज़्यादा स्पेशली करता हूँ, तो मुझे ज़्यादातर शुभजीत मंडल के आर्टवर्क बहुत पसंद है, सोम भैया का आर्टवर्क भी पसंद है। ये चीज़ है, क्योंकि सोम भैया बहुत अलग अलग तरीके की मतलब चीज़ों से बनाते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आपने YouTube में कब ज्वाइन किया और आपका एज कितना है? तो मेरा एज 19 है, एंड मैंने ज्वाइन किया था 2020 में YouTube। वाटर कलर पेंटिंग में कौन सा सस्ता पेपर है?
अब मैं जो यूज कर रहा हूँ शायद वही बहुत सस्ता है एंड बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए, जिसका मुझे शायद प्राइस पड़ा था 250 रुपये पड़ा था एंड 50 पीस मिल जाता है आपको। सो ये पेपर अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सर प्लीज वन डांस वीडियो। सो डांस वीडियो भी अभी नहीं आएगा, अभी नहीं बना पाऊंगा मैं डांस वीडियो। जब तक मेरे थाउजेंड्स व्यूज अप्रोक्स नहीं आएंगे आर्ट वाले चैनल पे, तब तक मैं ना व्लॉग कर पाऊंगा फिलहाल और ना ही डांस वीडियो। सो प्लीज इस चीज के लिए वेट करो कब तक मेरे थाउजेंड्स व्यूज आने लगेंगे ब्रो उसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप कहाँ पर रहते हो, जिसका आंसर दे चुका हूँ। वेयर डू यू लिव, स्लाइस ऑफ आर्ट ने पूछा है एंड मैं इसका भी उत्तर दे चुका हूँ। डू यू अर्न ऑन बाई ड्रॉइंग, सो मैं थोड़ी बहुत कभी कभी हो पाता है कमीशन वर्क से, जो जिससे मेरा सिर्फ ड्राइंग का खर्चा उठ पाता है एंड नथिंग मोर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज योर रियल प्रोफेशन। तो मेरा रियल प्रोफेशन अभी पता नहीं, बट हाँ मैं अपने पैशन को ही अपने रियल प्रोफेशन में शामिल करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू, तो गाइस जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आर यू सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। तो यस मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन पूरी तरह से भी सेल्फ टॉट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पर एक टीचर भी थे आर्ट का टीचर, सो उनसे भी थोड़ा बहुत जानने को मिला है। बट यहाँ पर कि मैंने कभी भी मतलब आर्ट क्लास कभी एक्स्ट्रा में नहीं लिया है कहीं भी। सो ये चीज़ है, और आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई थिंक आप लोग को और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछना चाहिए था जो भी है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहो, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको। और अभी सौरभ जोशी भैया का ड्राइंग का कलरिंग पार्ट आएगा, सो गाइज वो वीडियो नहीं देखना मत भूलना, कल ही आ जाएगा शायद। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हाइपर रियलिस्टिक के लिए आएगा, सो बहुत ही धमाल मचने वाला है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अभी तक इतना आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू, बाय।